तो सामने सामने तो आटू भाई बाजू में थो సార్కి ఏం లేదు సార్ మొత్తం అన్ని దున్ని అన్ని చేసినాడు సార్కి ఇప్పుడు ఇబ్బంది పడాడు ये अच्छा है अपने लिए फिर बफर जोन है पानी इसको हम लोग तो बता रहे रात में कोई रहने वाले नहीं जो खाली देखा है बहुत बहुत क्लियर वो उधर बनता है चिंता से जिस पे जा रहा है जाड़ के वहाँ से 20 फीट का अप्रोच दे मेन रोड से काली गेस्ट हाउस के लिए इधर वो बाजू से क्योंकि अपन ये बाजू अगर अपन दे रहे हैं जहाँ से अपन जो एरिया से आए वहाँ पे ये दुकानों के बाजू से 20 फीट का अप्रोच दे गेस्ट हाउस का अप्रोच भी होगा वहाँ से गए फ्रेश होके अंदर से अंदर इधर आया दरगाह वैसा अपन करेंगे बाहर रोड वाइंडिंग का आप क्या है बात कर लीजिए ये इंटरनल अपनी भी इतनी जगह है इसको अपन एक्सपेंड करेंगे फिलोकत ये लड़ाई झगड़े सब सेकेंडरी और डेवलपमेंट भी होगा ठीक है सर టైటిల్ ఓనర్షిప్ ఇస్తాను ఆ దాని కొరకు మేము మాట్లాడాం తర్వాత మీ ఇష్టంగానే ఓనర్షిప్ ఇస్తాను అన్నారు वो करे तो गवर्नमेंट जबरदस्ती करती क्या कर लेते हैं तो इसके लिए आपको बोल रहा हूँ आपका समझदारी से रोड वाइंडिंग का क्या है डेवलपमेंट का क्या है वो बात करो डेवलपमेंट करना है दरबार में करते हैं अंदर दरगाह के अंदर करते मस्जिद का करते ये जितनी बाउंड्री है करते अब बाहर आप लोगों का मसला उठा हुआ है बोल के पहले सब इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग उसको जो है सो यहाँ की लड़ाई कहाँ की लेके जा रहे हैं आप लोग बैठो आराम से सोचो रोड वाइंडिंग किया था कैसा रोड वाइंडिंग पहले करो बोलो रोड वाइंडिंग में किसकी कितनी जमीन जा रही क्या कंपनसेशन आता वो बात करो अंदर का डेवलपमेंट का क्या अपन बैठ के बात करेंगे उसके लिए आप लोग डेवलपमेंट सुनो डेवलपमेंट डेवलपमेंट नहीं बोल रहे
जहांगीर पिरा की दरगाह की जो डेवलपमेंट के लिए जिसमें सीएम साहब काफ़ी इंटरेस्टेड है और माशाल्लाह से तकरीबन फंड इसके लिए रिलीज़ भी किया गया है। हमारे शफीउल्लाह साहब जो कि बहुत खुसूसी इसका दिलचस्पी लेते हुए आज पॉइंट टू पॉइंट जाकर कहाँ जैसी जैसी चीज़ें होना है, हम एमएलए साहब को लेके, अंजय साहब को लेके, आरडीओ मैडम और हमारे सीओ बगबोट साहब सब मिलकर यहाँ एक एक चीज़ का दौरा करते हुए कहाँ कहाँ कैसा कैसा डेवलपमेंट, जहाँ 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 गेस्ट हाउस आना है, जहाँ समाखाना आना है, ख़ासकर मसाजिद के लिए, जहांगीर पीर की दरगाह की मसाजिद के लिए और दरबार के तकरीबन डेवलपमेंट के लिए आज एक एक चीज़ हम फिर कर शफीउल्लाह साहब, हम अंजय साहब और हमारे आरडीओ मैडम सीओ साहब मिलकर पूरा दौरा करके इंशाल्लाह ताला ये जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल होगा इंशाल्लाह ताला। ये रमज़ान के बाद से ये काम का हम जो सो आगाज़ कर देंगे। शुक्रिया। टोटल अभी बाजू एक लैंड अभी देखें 8 एकड़ वो भी एक्वायर करने का है इंशाल्लाह कल या परसों से, उसके ऊपर भी जेसीपी साफ सफाई करके टोटल बगबोट की रैंक कुछ करीब 2 एकड़ तक है यहाँ पर इंशाल्लाह ताला, उसका भी काम जल्द से जल्द डेवलपमेंट करके बगैर किसी को प्रॉब्लम हो, बगैर कोई दुकानदारों को, बगैर कोई यहाँ पे जितने लोग परेशान होकर गैर ज़रूरी की जो हवा उठाए हैं ये तोड़ दे रहे हैं, दुकानदार को हटा दे रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। सबको साथ लेते हुए सबकी रजामंदी से इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। शुक्रिया। इंशाल्लाह कम्प्लीट होने के बाद सीएम साहब खुद आके उसका इनॉग्रेशन करेंगे। डेवलपमेंट विषय में बोर्ड चेयरमैन अरे डायरेक्टर गारु अलग सीओ गार अंदर कल मिगता अधिकार कल अंदर सदर्शन जी इकड़ा एमेम चेयले दर्गा एक् कटाले मस्जिद एक् कटाले गेस्ट हाउस एक् कटाले अभी आलोचन इंका गवर्नमेंट लैंड इन 200 अटे 200 सर्वे नंबर का 200 सर्वे और 35 कुंटल मिगता 201 गवर्नमेंट लैंड इंक्रोचमेंट ले अभी वेरे అదంటే ఒక బోర్డు కింద కిందకి వస్తాయి అదే ఇబ్బంది లేదుగా ఎలాంటి కిరికిలు లేని జాలా ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ అవుతుంది ఎవరు దుకాణాలు అనుమాన పడవలసిన లేదు బాధపడవలసిన అవసరం ఎవరికి ఇబ్బంది కాకుండా ఈ దర్గాను డెవలప్ చేయాలని ఆలోచనతోటి ఆ చైర్మన్ గారు అందరు ఉన్నారు కాబట్టి